हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज भी मैं लेकर के आई हूँ मोस्ट कमिटेड ड्रिंक। बहुत दिन से मैं बोली थी, लगभग 1 मंथ से, कि मैं इम्यून ड्रिंक डालूंगी, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला ड्रिंक। तो मैं ये ड्रिंक लेकर के आई हूँ, जो कि लगभग था इसका टेस्ट, ये जो जूस है ये फ्रूट का जूस है, लेकिन बिल्कुल प्रोसेस किया हुआ है घर के अंदर, और इसका टेस्ट बहुत ही मार्वलस होता है, और जो हर तरह की बीमारी को क्योर करने में, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। सेकेंडरी, ये सिट्रिक एलर्जी को किल करता है। जिनको भी सिट्रिक एलर्जी है, उनको ये ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो आप अपने एलर्जी से फाइट कर सकते हैं। प्लस ये ग्लूटेन एलर्जी से भी फाइट करता है और आपके प्रोटीन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए, इंसुलिन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनको यूरिक एसिड है उनके लिए भी अच्छा है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है, और जिनको थायराइड या पिकॉस या पिकॉर्ड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी ले सकती हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी ले सकती है। मीन्स ये और कोई भी वर्ल्ड में, जो 3 to 6 months से ऊपर जो बच्चा है, टोडलर है, वो भी ले सकते हैं, और काफ़ी एज में भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में, नून में, जब मन करे तब ले सकते हैं। लेकिन डोज इसका यही रहेगा 50 ml वन टाइम, बिकॉज बॉडी का ये फंडा होता है कि वो 50 ml से ज़्यादा कोई भी लिक्विड अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए 50 ml वन टाइम, एक दिन में आप ये 300 ml तक ले सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही विटामिन मिनरल से भरपूर है। इसको पोटेशियम को ध्यान में रख के बनाया गया है और खनिज बहुत ज़्यादा, मिनरल बहुत हाई है इसकी, और बहुत ही सुपर बायोफीड फूड है, तो बहुत ही ऑब्जॉर्बेंट है इसके अंदर। इसकी लाइफ फ्रिज के बाहर 7 days है, फ्रिज के अंदर 1 month है, तो बहुत इजीली 2 liter के करीब आप बना के रख सकते हैं। और मैं यहाँ पर 2 liter का ही हिसाब बता रही हूँ। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लिया है, जो अभी वेदर में मिल रहा है, इस वेदर में ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल लीजिए। मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिया, 3 oranges है, अप्रॉक्स ये 300 to 400 gram का ऑरेंज है। ऑरेंज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिस भी सीज़न में जो फ्रूट आती है उस सीज़न के लिए चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है कि मुझे विटामिन सी हाई करनी है लोगों की, और जिनको भी विटामिन सी की कमी होती है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब होता है, और विटामिन सी ही एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। एंटी रिंकल चीज़ है, जो कि आपके बॉडी को रिंकल से बचाती है, बुढ़ापे से बचाती है, और बुढ़ापे से बचाने का मतलब है आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहना। यहाँ पर मैं इसको इस ढंग से निकाल रही हूँ, छील रही हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक वाला जूसर है तो उस ढंग से निकाल सकते हैं, और अगर कपड़े से निचोड़ना चाहे तो फांक में निकालिएगा। विटामिन सी का और काम है आपको यंग दिखाना, बाय लुक भी, और आपको एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है ऑरेंज के अंदर। विटामिन ए भी एक मात्रा में होती है, तो आइज भी तेज होती है। बीमारी से बेसिकली, जब मौसम चेंज होता है तो बीमारी से लड़ने वाली चीज़ें हमें बिल्कुल खानी चाहिए, जो कि ऑरेंज में मिलता है। मैं वैसे लोगों को, जिनको भी सिट्रिक एलर्जी है, उनको बिल्कुल मना करती हूँ कि ऑरेंज मत खाइए, लेकिन यहाँ पर अगर आपका थोड़ा सा सॉरनेस पर खट्टा भी है तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में हम इसके खट्टापन को कम कर देंगे प्रोसेस करके, जिसकी वजह से इसका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जूसर यूज़ कर रही हूँ, ये जूसर मुझे सुमन सिंह ने दिया था मीट एंड ग्रीट में। उस समय मुझे इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये जूसर, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती है और प्रॉपरली निकल जाता है। लेकिन अगर आपके मिक्सी के जार में मत चलाइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतरा कड़वा हो जाएगा। या तो कपड़े से निचोड़िए, या जो प्लास्टिक का आता है उससे हाफ करके उससे निकालिए जूस। यहाँ पर मैंने जो ये लिया है, इसमें मुझे 300 ml जूस निकला है, मतलब कि जितना ग्राम था उतना ही ml जूस निकला है, बाकी रफेज जा गई, और बहुत ही क्लीन एंड क्लियर जूस निकला है। जूस इसलिए निकालना है क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पर इम्यून जूस, तो उसी को ही प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर होता है
कॉपर, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जिनको भी हीमोग्लोबिन की कमी है उनके लिए कॉपर बहुत अच्छा होता है। और कॉपर ही एक ऐसी चीज है जो आपको आरबीसी बनने में या हीमोग्लोबिन बनने में जो भी आप खाते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है। तो डायरेक्टली इसमें आयरन या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉपर होने की वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस है पोटेशियम, जो मैं कह रही थी हाई पोटेशियम ड्रिंक बना रही हूँ, तो पोटेशियम अगर रहेगा तो जिनको भी वाटर रिटेशन की या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो निकल जाते हैं उससे बाहर। और कैल्शियम है तो ठंड के दिन में जो बॉडी क्रैम्प आती है, खिंचता है मसल्स या हड्डियों में दर्द होता है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अनार, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है तो मैं बिल्कुल इसको ऐड करूंगी। और अनार यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम, इसका भी जूस निकालना है, ये 350 ग्राम है एक्चुअली, इसका भी जूस निकालना है। और ये आपको देगा जो बीमारी बुखार पहचान में नहीं आती है, मैं हमेशा कहती हूँ पोमोग्रेनेट खाइए, जो फीवर आपको पता नहीं चलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कुछ भी निकलता नहीं है, लेकिन आप हिडन जो फीवर होती है उससे ये आपको बहुत बचाता है। तो जो मौसम अभी चेंज हो रही है उसमें हमेशा आपको एक दर्द और खिंचाव बॉडी में रहती है, तो अनार का जूस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप बिल्कुल लीजिए। इससे भी मुझे 350 ml जूस निकला है। और यहाँ पर मैं ये जूसर आपको दिखा रही हूँ कि कितना आसान होता है इसमें, अगर ये ना रहे तब आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल मिक्सी जार, उसमें पीसिए और कपड़े से निचोड़ लीजिए। बट ये बहुत यूजफुल लगा, इसलिए सुमन जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप एक नई चीज आपने मुझे गिफ्ट की, और बहुत अच्छा है जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट बन गया। अब ये इसमें ये सीड सारी सेपरेट हो गई है जो मैं निकाल ले रही हूँ, और इस सीड को फेंकना नहीं है एक्चुअली, इसको निकाल करके सुखा लेना है, ये मल्टीपर्पज यूज में आपका आ सकता है। और अगर ये जूसर आपको लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे जूसर्स हैं ये मैनुअल और बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कि अगर आपको लेना लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं वहां से। ये देखिए, ये जो अनार का दाना है ये मैंने सुखा लिया, ये 5-6 दिन में ऐसा हो जाता है, सूख जाता है, और इसके बाद इसको बहुत सारे यूज में ला सकते हैं, ब्रेस्ट टाइटनिंग में या रिंकल के लिए पैक बनाने में, किसी भी चीज में आप खाने में डाल सकते हैं, स्लिमिंग पाउडर में डाल सकते हैं, किसी भी चीज में इसका यूज हो सकता है। तो इसको बिल्कुल फेंकिए मत, इसलिए मैं इस बार आपको दिखा रही हूँ, ताकि हर बार हो जाता था कि जो उसका रफेज है उसका हम क्या करें, तो इसलिए दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आंवला, आंवला 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम यहाँ पे आंवला ले लिया है, लेकिन मैंने ये धूप में थोड़ा सा रख दिया, गर्मी में, ताकि ये नरम से थोड़ा सा जल्दी कटे। आप ताज़ा भी ले सकते हैं। आंवला का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको सिट्रिक एलर्जी से बचाता है, ये मैंने पहले भी आपको, आप लोगों को कई बार बताया है, आंवले का मौसम है तो बिल्कुल खाइए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी तरह की एलर्जी हो उससे बचाता है। जिनको किडनी स्टोन होता है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है या क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है, ऐसे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एथराइटिस है, ऐसे में भी गूजबेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंवला अगर रेगुलर खाएंगे तो एंटी रिंकल होता है, तो झुर्रियों से भी आपको बचाएगा, प्लस आपके बाल जो नेचुरल है वो काले निकलेंगे। आंवला खाने से भी ये फायदा होगा, डायबिटीज में भी आंवला बहुत फायदा करता है। ये बचा हुआ रख दीजिए, और ये जो बीज वाला पार्ट है इसको खाने में डाल दीजिएगा, तो इसकी खटाई अपने आप निकल जाएगी और ये वेस्ट नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक, अदरक करीबन 20 ग्राम अदरक लिया है। अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो घर में तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 25 से 50 ग्राम ले सकते हैं। ये यंग जिंजर है, इसमें रेशा नहीं है, तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैं हमेशा पोमोग्रेनेट और पाइनएप्पल को बहुत वैल्यू देती हूँ डाइट में, और फीमेल हो या मेल सबके लिए ये बहुत ट्रॉपिकल फूड हमेशा आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये बिल्कुल लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि राइप हो, कच्चा लेकर आओ, घर में पकाओ, घर में पक जाएगा उसके बाद आप खुद छील सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसकी आईज सेपरेट कर ले, इसकी जो आँखें होती है वो बहुत खतरनाक होती है, पेट में जाएगा तो अल्सर कर सकता है, किसी भी तरह का एलर्जी कर सकता है। अगर ये आपकी निकल जाती है तो फिर आप पाइनएप्पल प्रोटीन शेक की बात मैं हमेशा करती हूँ, किसी भी तरह का मसल्स क्रैम्प हो या एथराइटिस हो ऐसे में बहुत काम करता है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो तो पाइनएप्पल बहुत काम करता है, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए उस वीडियो को भी कि कितना फायदेमंद है पाइनएप्पल आपके लिए। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखना जो बार बार मैं कह रही हूँ कि इसकी आईज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं दांत में दर्द हो गया, दांत में दर्द होने का कारण इसकी आईज भी होती है,
जो कि बहुत ज्यादा हाईली एलर्जी करती है, थ्रोट सोर थ्रोट हो जाएगा, गले के अंदर छाले होंगे और पक जाता है कई बार। और ये ड्रिंक में डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सर्दी के दिन में मसल्स के क्रैम्प से बचाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लीन करके इसको वॉश कर लिया है, अब मैं इसको काट लूंगी। ये जो अंदर वाला हार्ड पार्ट है वो सेपरेट करके काटेंगे, वो हार्ड पार्ट को अलग रखेंगे, लेकिन फेंकना नहीं है उस हार्ड पार्ट को। वो हार्ड पार्ट भी यूज होता है, तो आपको जिस भी सब्जी में मन करे कि थोड़ा खट्टा मीठा होना चाहिए उसमें डाल दीजिए। कच्चा मत खाइएगा, नहीं तो एलर्जी हो जाएगी, इंटेस्टाइन कच्चा इसको नहीं पचा सकती है। तो छोटे क्यूब्स में काट करके किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। पका हुआ आपके बॉडी को बहुत बेनिफिट करेगा, ज्यादा भी नहीं पका होना चाहिए। जब सब्जी आप उतारने वाले हो, गैस बंद करने वाले हो, तो 2 मिनट पहले आप डाल दीजिए। यहाँ पर मैं ये पाइनएप्पल ले रही हूँ इस जूस के लिए, लेकिन पूरा हार्ड पार्ट निकाल करके, क्योंकि यहाँ भी उबालूंगी, लेकिन अगर आप कच्चा खा रहे हो तो बिल्कुल मत रखिए, नहीं तो स्टमक की एलर्जी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पेट में दर्द होने लग जाएगा अचानक से। पाइनएप्पल आपके किसी भी बॉडी मसल्स को या ब्रेन को फ्लेक्सिबल होने में बहुत मदद करती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, तो आपके किसी भी तरह के एलर्जी को कम करती है। तो इसको स्किप नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ पर मैं गूसबेरी और जिंजर और पाइनएप्पल को जार में इकट्ठे ले रही हूँ। ये ध्यान रखना है कि इसको अलग से मिक्सी जार में ही पीसेंगे, ये उस जूसर में नहीं निचोड़ा जा सकता क्योंकि वो प्लास्टिक का है, तो उसमें ऐसी चीजें नहीं डाली। पाइनएप्पल का जूस निकल सकता है उसमें, लेकिन बाकी चीज नहीं। तो इसको बारीक पीस लेंगे और जो पेस्ट होगा उसको आप स्ट्रेन कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसमें मैंने पानी मिलाया है पीसते समय, इतना लिक्विड ही ऐसे नहीं है, इसमें 100 ml वाटर भी डाला था मैंने। इसको निचोड़ लेंगे और इसका रफेज जो है वो भी जादू करता है। इसके अंदर जो रफेज निकलेगा उसको भी फेंकना नहीं है, बिल्कुल मत फेंकिएगा। और वो क्योंकि वो भी पाइनएप्पल का ही रफेज है और उसमें गूसबेरी है और अदरक है, ये जो है इसको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको आप डब्बे में भर के रख लीजिए, मिक्सी में पीस कर पाउडर बना करके, और इसको किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं आप, किसी भी चीज में। और इसकी काफी रेसिपी बनती है, अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कमेंट 200 होने चाहिए तभी बताऊंगी। पोमोग्रेनेट सीड का रेसिपी या फिर इसका रेसिपी। ये देखिए ड्राई हो गया, ये 5-6 days में ये ड्राई हो चुका है, अब मेरे काफी सारे रेसिपी के लिए तैयार हो चुका है। मैं काफी सारे चीजें कभी भी फेंकती नहीं, सारा सुखाती हूँ। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो बिल्कुल सुखा के रखिए। मेरे पास हर तरह का फूल या हर चीज सूखी मिलती है और उसको बाद में यूज करते हैं। ये जो वाटर इकट्ठा हुआ है अदरक और गूसबेरी वाला, उसी में मैंने ये पोमोग्रेनेट का जूस भी मिलाया और ऑरेंज जूस भी डाल देंगे। और ये टोटल करीब 800 ml के करीब ये जूस है, और इसमें 1.5 liter के करीब वाटर ऐड करना है। अभी पानी बॉईल करूंगी मैं, क्योंकि इसको डाइल्यूट फॉर्म में बनेगा। जो आप टेट्रा पैक का जूस पीते हैं उसका फॉर्मूला बिल्कुल यही होता है, जरा सा भी अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर 1500 ml वाटर मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया है और ये पानी बॉईल हो रहा है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 tablespoon स्टीविया। स्टीविया शुगर का सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन नेचुरल शुगर होता है, ये पेड़ के उससे बनता है और ये नेचुरल शुगर है। तो अगर आपको ये लेना होगा तो मार्केट में मेडिकल स्टोर पे मिलता है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, उसको क्लिक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा ये जूस। इसमें पानी जब बॉईल हो जाएगा तब मैं ऐड कर दूंगी इसको, और इसको एक उबाल तक तेज आंच पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे रखेंगे, जब तक कि इसमें एक वन बॉईल ना आ जाए, तब तक इसको तेज आंच पर रखना है। और इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट ऐड करूंगी मैं करीबन 1/2 teaspoon के करीब, उससे ज्यादा नहीं डालना है, एक सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा टेस्टी लगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। नॉर्मल सॉल्ट नहीं डालेंगे, सी सॉल्ट नहीं डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट नहीं डालेंगे, और रॉक सॉल्ट भी नहीं डालेंगे। पिंक सॉल्ट एकदम अलग होता है, वो डालेंगे, हिमालयन सॉल्ट। और इसको बॉईल करना है तेज फ्लेम पे। जब ये बॉईल होने लगेगा तब इसमें आप लिड डाल दीजिए और करीबन 10 to 15 minute बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल लो होना चाहिए, जिसमें उबलता हुआ दिखे भी ना, ऐसे में इसको ढक के छोड़ देंगे और उसके बाद इसको उबाल लेंगे। अब इसमें एक झाग बन गई है, जो ये
एक प्रूफ होता है, ये झाग, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बन चुका है। उसके बाद गैस बंद कर देना, सेपरेट कर दीजिए इस फोम को और गैस बंद कर दीजिए और अपने आप ही इसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद ये आपका पीने के लिए तैयार हो जाता है। अब फॉर्मूला ये है कि ये पियेंगे कैसे, तो इसको पीना है 50 ml एक बार में पीना है। सुबह पी सकते हैं, सुबह चाहे जितना भी अर्ली मॉर्निंग उठे इसको आप ले सकते हो। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं। ये एक फिलर स्नैक्स है, आप शाम के 4 से 6 बजे के बीच में ले सकते हैं, आप रात में ले सकते हैं डिनर के बाद। ये आपको ठंडे का इफेक्ट नहीं है इसके अंदर को, आपका आपको कफ हो जाएगा। टेस्ट टेट्रा पैक जूस जैसा, जो मिक्स फ्रूट जूस होता है वैसा ही होता है इसका। तो मैं करीबन 2 लीटर तो मिनिमम बनाती हूँ और ये अच्छा चलता है और मेरे घर में सबको पसंद है और मेरे लिए एक फिलर स्नैक्स की तरह, बेवरेज की तरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो आप भी इसको लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए अपने, और कोई भी पी सकता है। आप अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले दे सकते हैं, स्कूल के आने के बाद दे सकते हैं। इसको बना करके आपके बच्चे अगर हॉस्टल जा रहे हैं तो वो अभी सर्दियां हैं तो 1 वीक तो इसको लेकर के निकाल ही सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और इसके अलावा जो एज है, हाई एज है, 70+ है, वो भी बहुत ईजिली पी सकते हैं, बिल्कुल फियरलेस। कोई डरने की बात नहीं है कि ठंड के दिन में पी रहे हैं तो ठंड लग जाएगी। जिनको बहुत ज़्यादा हाई कफ है वो इसको बॉईल करके अगर पिएंगे तो कफ खत्म होगी, कफ धीरे धीरे जाएगा। और अगर लॉन्ग पेपर मिल जाए तो इसके साथ बॉईल कर लीजिएगा, पीपली जिसे कहते हैं, और वो आपके कफ को बहुत कम कर देगा इस इम्यून ड्रिंक के साथ। तो बिल्कुल बिलीव कीजिए, ये मुझे तो बहुत ही बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। ये वीडियो जब मैंने बनाया था तभी डाला था, खूब मजे लेके मैं पी रही थी और फिर मैंने फेसबुक पे डाला था लोगों को चढ़ाने के लिए, और काफी लोगों को गुस्सा आया भी था क्योंकि सीरियसली ये ड्रिंक बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बिलीव कीजिए और इस इम्यून ड्रिंक का मजा लीजिए। कुछ अगर आप लोगों को अपने अपने तरफ से कोई फ्रूट जोड़ना है तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, उसमें एक और फल आ जाएगा, वो होगा अमरूद, जो जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस थोड़ी हाई हो जाती है। तो बिल्कुल ट्राई कीजिए मेरे इस ड्रिंक को, बनाइए। और ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को मदद मिल पाए, इसको प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।